देवारी की ऐतिहासिक गुफा जहां मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, अब वहां टॉय ट्रेन चलेगी। देवारी उदयपुर स्थित राजस्थान की सबसे पहली रेलवे टनल और कभी अपने टाइम पर सबसे लंबी टनल रही देवारी की गुफा में अब जल्द ही टॉय ट्रेन चलेगी। इंडियन रेलवेज ने उस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है जिसमें इस संभावना पर विचार करने को कहा गया था। साल 2016 में इस प्रोजेक्ट को रेलवे मिनिस्ट्री भेजा गया था जिसको टॉय ने भी कवर किया था। अब जब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है तो उदयपुर के लोगों को इंतजार है तो बस इस बात का कि इस प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम शुरू होवे। देवारी टनल का ब्रॉडगेज परिवर्तन के बाद से पिछले 12 साल में कोई इस्तेमाल नहीं लिया गया, लेकिन अगर हम इन 12 सालों को छोड़ दें तो इस देवारी टनल का इतिहास बड़ा रोचक रहा है। आपको बता दें, देवारी टनल करीब 119 बिलियन रुपए पुरानी है। इसे सन 1889 में बनाया गया था। सन 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने पहली बार उदयपुर को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास किया। सन 1885 तक सभी महत्वपूर्ण सर्वे और कागजी कार्रवाई भी कम्प्लीट होने को आ गई थी, लेकिन महाराणा के आकस्मिक देहांत की वजह से यह प्रोजेक्ट अनिश्चितकालीन अवधि के लिए रुक गया। हालांकि इसके 10 साल बाद महाराणा फतेह सिंह जी ने इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करवाया और इस तरह उदयपुर पहली बार सन 1895 में रेल नेटवर्क से जुड़ा, लेकिन सिर्फ देवारी तक ही। देवारी चित्तौड़गढ़ रेल लाइन 60 मील लंबी थी और इसी पर थी ऐतिहासिक देवारी टनल, लेकिन रेल लाइन को उदयपुर तक आने में 4 साल लग गए, क्योंकि अगस्त 1895 से लेकर दिसंबर 1899 तक उदयपुर देवारी के इस 6.5 मील लंबे ट्रैक को बॉम्बे बड़ौदा और सेंट्रल लाइन ऑपरेट करते थे। 25 अगस्त 1899 को इस छोटे से टुकड़े को देवारी चित्तौड़गढ़ रेल लाइन से जोड़ लिया गया और इस तरह उदयपुर ने पहली बार रेल लाइन को देखा। सन 2005 के बाद उदयपुर चित्तौड़गढ़ रेल लाइन ब्रॉडगेज में तब्दील हो गई और देवारी टनल का उपयोग भी उसी के साथ थम गया। देवारी टनल का इस तरह वीरान पड़े रहना कई लोगों को तकलीफ देता रहा है। बीच में कई बार इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की मांग भी उठती रही थी। इसका इस तरह यूं वीरान पड़े रहना इसलिए भी अखरता था क्योंकि देवारी टनल उस समय की बनी उन जटिल कलाकृतियों में से थी जिसे तब के कारीगरों ने बिना किसी मशीन की सहायता से सिर्फ हाथ हथौड़ों की मदद से बनाया था। यह सच में एक अजूबा है। जल्दी ही टॉय ट्रेन के लिए ट्रैक लगा दिया जाएगा, साथ ही साथ दोनों तरफ रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे, सिग्नल्स भी लगे जाएंगे ताकि बच्चे इन सब को देखकर कुछ सीखें।